आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे गरीब को घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आदिवासी के पास भी अपना पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के पास भी अपना पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या आजादी के 70 साल के बाद भी वो झुग्गी झोपड़ी में जिएंगे, फुटपाथ पर गुजारा करेंगे, पेड़ के नीचे बसेंगे, खेत के खलिहान के किनारे पर पड़े रहेंगे? अरे चार चार पीढ़ी आपने राज किया, आपको इतना तक नहीं सूझा? भाइयों बहनों, मैंने मन में ठान ली है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मैंने मन में ठान के रखी है कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, अभी 4 साल बाकी है, 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा।